दीदी ने उठाए जांच एजेंसियों पर सवाल। ममता बनर्जी ने कहा कि जांच एजेंसियां टीएमसी नेता पर बीजेपी में शामिल होने के लिए दबाव बना रही हैं। टीएमसी नेता ने कहा कि एनआईए और सीबीआई बीजेपी के इशारे पर काम कर रही है। लोकसभा चुनाव 2024 के चलते देश भर में सियासत गरमाई हुई है। इसी कड़ी में पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। पुरुलिया में रैली को संबोधित करते हुए रविवार की सुबह टीएमसी नेता कहा कि देश में बीजेपी के खिलाफ बोलता है वह उसके पीछे ईडी आयकर विभाग और सीबीआई को लगा देती है। टीएमसी नेताओं पर बीजेपी में शामिल होने का दबाव। ममता बनर्जी ने आरोप लगाते हुए कहा कि जांच एजेंसियां टीएमसी नेताओं से बीजेपी में शामिल होने के लिए दबाव बना रही हैं। उनका कहना था कि बीजेपी में शामिल नहीं हो रहे उन्हें कार्रवाई करने की धमकी दी जा रही है। बता दें, पश्चिम बंगाल के भूपति नगर में 6 अप्रैल को एनआईए की एक टीम पर भीड़ ने हमला बोल दिया था। जांच में एजेंसी यहां 2 संदिग्धों को गिरफ्तार करने पहुंची थी। लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी रणनीति बना ली है। नेताओं के बीच जुबानी जंग जारी है। इस बीच पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने पीएम मोदी की तस्वीर वाले राशन को लेकर बड़ा बयान दिया है। इस पर भाजपा ने मुख्यमंत्री के बयान पर सवाल उठाए हैं। देश में लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हो रही हैं। राजनीतिक पार्टियों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। दिग्गज नेता चुनावी कार्यक्रमों को संबोधित कर रहे हैं। इस बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पीएम मोदी की तस्वीर वाले राशन पर कहा कि मैं भूखी मर जाऊंगी लेकिन यह राशन नहीं खाऊंगी। ममता के इस बयान पर भारतीय जनता पार्टी ने सवाल उठाए हैं। नमस्कार, मैं हूं अहमद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।